हम लोग पढ़ रहे क्या पढ़ रहे क्लास टेंथ का बायोलॉजी चैप्टर 1 जे प्रक्रम में पोषण यही पढ़ रहे ना। ये कितना पार्ट थर्ड पढ़ा चुके हैं। ये क्या है पार्ट 4 क्या है? आज हम देखेंगे क्या मनुष्य में पाचन, मनुष्य में देखेंगे मनुष्य में पाचन कैसे होता है, मनुष्य में पाचन कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है ना। मनुष्य में पाचन क्योंकि सब देख लिए, अमीबा देख लिए थे, परामिशियम में देख लिए थे, पेड़ पौधा बारे में पढ़ लिए थे, अब क्या देखेंगे मनुष्य, क्या देखेंगे मनुष्य में पाचन कैसे होता है। थोड़ा सा पिक्चर बना लेते हैं मनुष्य का, ठीक है ना। मनुष्य का थोड़ा पिक्चर बना लो। बड़ा छोटा बनाते हैं, चले आने अंदर बन गया। यहाँ देख किसका पिक्चर बना, तुम लोग का ही पिक्चर है, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग। ये बन गया, ये क्या है, ये आँख है, क्या है आँख है। अब यहाँ से करेगा, यहाँ से खाना खाएगा और यहाँ से नाक द्वारा क्या जाएगा, हवा जाएगा। अरे यहाँ से खाना खाएंगे, यहाँ नाक द्वारा हवा जाएंगे, तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ से क्या खाएंगे, भोजन, क्या करेंगे भोजन करेंगे, क्या करेंगे, और यहाँ से क्या करेगा होगा, नाक द्वारा हवा जाएगा, नाक द्वारा क्या जाएगा, हवा जाएगा। अभी अच्छा समझना है, ठीक है ना। यहाँ जाएगा भोजन, क्या जाएगा, क्या जाएगा भोजन, क्या जाएगा भोजन, चल गया। अब यहाँ ध्यान दे, अब ये आगे बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा आगे, कहाँ बढ़ेगा आगे, यहाँ ध्यान दे। अब यहाँ जो आगे बढ़ेगा तो यहाँ दो पाइप होता है, कितना पाइप होता है, दो पाइप, तुम लोग को बुक में पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ दो पाइप होता है। दो पाइप क्या क्या क्यों रहेगा, एक जो हवा लेते हैं उसका पाइप अलग होना चाहिए जाने के लिए हवा, क्योंकि हवा जाता है कहाँ, फेफड़ा में, कहाँ जाता है। अब भोजन कहाँ जाता है, अमावस्या में यानी पेट में, कहाँ जाता है पेट में, तो दोनों पाइप अलग होना चाहिए ना। तो यहाँ पर एक पाइप, दो पाइप होता है, कितना पाइप होता है, दो पाइप, कितना पाइप होता है, दो पाइप होता है, कितना होता है, दो पाइप होगा, ठीक है ना। अब जब ऐसे जैसे यहाँ पर, अब बता, यहाँ से भोजन आएगा तो यहाँ पर भोजन भी आएगा, तो गलती भोजन इसमें चल जाएगा, इस मान ली ये पाइप है, ये वाला पाइप का नाम क्या है, ये पाइप का नाम मान लिया हम क्या है, श्वास नली, क्या है श्वास नली, यानी जिसमें श्वास लेंगे, जिसमें हवा जाएगा, क्या जाएगा हवा, किस क्या जाएगा हवा, और इसमें मान लिया जाता है भोजन, क्या जाता है भोजन, क्या जाता है, तो जिसमें भोजन जाता है उसको बोलते हैं भोजन नली या फूड नली का, या ग्रास नली, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ग्रास नली, क्या बोलते हैं, जिसमें भोजन जाता है उसको क्या बोलते हैं ग्रास नली, जिसमें भोजन जाता है उसको क्या बोलते हैं ग्रास नली, क्या बोलते हैं ग्रास नली, क्या बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं फूड पाइप, क्या बोलते हैं फूड जाने वाले पाइप को फूड पाइप कहेंगे, फूड में फूड जाने वाले पाइप को। क्या बता भोजन यहाँ से तुम किया, अब भोजन को जाना चाहिए इसमें, क्योंकि यही फूड पाइप है, लेकिन गलती से इसमें चल जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, तो क्या सड़क जाता है, क्या होता है, और कहाँ से रहता है कि भोजन इसमें जाने लगाने, तो यहाँ पर यह कहता है ढक्कन, क्या रहता है आई ढक्कन टुकुर टुकुर देखते रहता है कि भोजन आ रहा है कि नहीं, जैसे भोजन आएगा, जैसे भोजन यहाँ एक ढक्कन लगा रहता है, क्या लगा रहता है ढक्कन लगा रहता है, ठीक है ना, क्या रहेगा ढक्कन, क्या रहेगा लगा रहेगा, यहाँ ढक्कन लगा रहेगा, देखा देखते रहे कि जैसे जैसे तुम कुछ खाया तो ढक्कन क्या करेगा इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा इधर आए के, इसको क्या करेगा इसको रोक, इसको बंद कर देगा, जो श्वास नली इसको क्या करेगा बंद कर देगा। अब बताओ भोजन इसमें जा पाएगा, भोजन इसमें जा पाएगा नहीं, तो ढक्कन बंद कहते हैं, यहाँ पर ढक्कन लगा रहेगा, देखते रहेगा कि तुम लोग खा रहा है कुछ नहीं, जैसे तुम लोग खाएगा तो ढक्कन क्या करेगा इधर मुड़ जाएगा, किधर मुड़ जाएगा इधर, इधर मुड़ के क्या करेगा बंद कर देगा, क्या कर देगा बंद कर देगा, तो भोजन कैसे जाएगा ग्रास नली में जाएगा, जिसको बोलते हैं फूड पाइप में जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी तुम लोग आराम से सोचते रहता है, आराम से सोचने में मगन रहता है, या गलबात करते रहता है, तो ये जो ढकनवा ये जो भूल जाता है कि हमको इधर जाना है कि इधर जाना है, तो कहीं नहीं जाता है, बीच में खड़ा रह जाता है, तो क्या होता है रहता है चालू, ये क्या रहता है, तो भोजन इधर भी चल गया इधर भी चल गया, जैसे इधर जाता है तो क्या होता है सड़क जाता है, आदमी क्या होता है सड़क जाता है, इसलिए बोलते हैं कुछ बोलता है खाते समय गलबात नहीं करना, जरा सोचने नहीं बोलते, नहीं बोलता है, तो समझ गया। ढक्कन को बोलते हैं, ढक्कन को का नाम क्या है, ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिक्स, क्या है ढक्कन का नाम क्या है, ये ढक्कन का नाम क्या है एपिग्लोटिक्स, ढक्कन का नाम क्या है, तो बोलेगा बताओ कि भोजन नली को भोजन नली को श्वास नली में जाने से रोकने में कौन मदद करता है, तो बोलना है एपिग्लोटिक्स, क्या बोलना है एपिग्लोटिक्स, क्या बोलना है एपिग्लोटिक्स, एपी इधर से श्वास आएगा, इधर से क्या आएगा भोजन आएगा, आएगा ना,
अब यहाँ ध्यान दे, ये जो भोजन नली है ये तो चल जाएगा, ये श्वास नली जो ये तो चल जाएगा फेफड़ा में, कहाँ जाएगा फेफड़ा, अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे। ये भोजन नली कहाँ जाएगा, तो भोजन नली जो जुड़ा रहता है किससे, भोजन नली जुड़ा रहता है अमाशय से, किससे जुड़ा रहता है अमाशय से जुड़ा रहेगा, किससे जुड़ा रहेगा अमाशय से जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है ये अमाशय जुड़ा होता है, किससे होता है अमाशय जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है अमाशय से जुड़ा होता है, ठीक है ना। और भोजन अब बता तुम लोग, भोजन जो है मुंह के बाहर कहाँ पहुँचा, ग्रास नली में, ग्रास नली बाहर कहाँ जाएगा अमाशय में, कहाँ जाएगा अमाशय में, कहाँ जाएगा क्योंकि अमाशय जुड़ा हुआ है, अमाशय जुड़ा हुआ है ना, अमाशय जाएगा। अमाशय को इंग्लिश से बोलते हैं अस्टोमैक, क्या बोलते हैं अस्टोमैक, क्या बोलते हैं अस्टोमैक, मतलब क्या होता है पेट, क्या होता है तो पेट, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, और यहीं पर एक होता है, यहीं पर एक होता है ग्रंथि, क्या होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को पचाने में क्या करता है मदद करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं यकृत, क्या बोलेंगे यहीं पर एक ग्रंथि होता है जिसको बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं। और यहाँ पर पान के पत्ता की तरह, क्या बोल रहे हैं पान की पत्ता की तरह एक आकृति होता है जिसको बोलते हैं अग्नाशय, क्या बोलते हैं अग्नाशय, क्या बोलते हैं। अब भोजन जो है, भोजन इसमें आ गया, इससे इसके बाद फिर किसमें जाएगा, तो यहाँ पर एक नली होता है, क्या होता है नली से जुड़ा होता है छोटी आर, कौन जुड़ा होता है, कौन जुड़ा होता है छोटी आर जुड़ा होता है, कौन जुड़ा होता है छोटी आर जुड़ा होता है, ठीक है ना, छोटी आर कौन जुड़ा होता है छोटी आर जुड़ा होता है, ठीक है ना, तो छोटी आर ये हो गया छोटी आर, ये क्या हो गया, ये हो गया छोटी आर, ये क्या हो गया छोटी आर, क्या हो गया छोटी आर, छोटी आर से फिर कौन जुड़ा रहेगा, छोटी आर से जुड़ा रहेगा बड़ी आर, कौन जुड़ा रहेगा कौन जुड़ा रहेगा बड़ी आत जुड़ा रहेगा, बड़ी आत बड़ा नहीं होता है छोटी आत से छोटा होता है, तुम्हें बकरी भी देखता काटता है ना, तो जो देखता है लिखलता है जो ढोता है क्या हो उसको बोलता है भोटी बोलता है, होता है तो वो क्या है छोटी आत है, वो क्या है छोटी आत, छोटी आत कितना लंबा होता है, बहुत लंबा होता है ना, तो छोटी आत बहुत लंबा होता है, छोटी आत क्या होता है बहुत लंबा होता है, लेकिन अब बड़ी आत छोटा होता है, बड़ी आत का खाली चौराइया जो है ना चौराई ज़्यादा होता है, बड़ी आत का चौराई क्या होता है ज़्यादा होता है, बड़ी आत का चौराई क्या होता है ज़्यादा, क्या होता है तो बड़ी आत बड़ा है कि छोटी आत बड़ा है, जल्दी बताओ छोटी आत बड़ा है, लेकिन बड़ी चौरा कौन है बड़ी आत चौरा है, ठीक है ना। अभी बड़ी आत से फिर यहाँ पर चल बड़ी आत ए बंदर हो गया, तो देख यहाँ पर बताओ भोजन कहाँ कहाँ जाता है, पहले बताओ भोजन पहले आता है कहाँ पर मुख में, कहाँ आता है भोजन कहाँ जाता है पहले, भोजन पहले जाता है किस में मुख में, क्या किस में जाता है और मुख में जगह होता है, मुख में जगह होता है ना, तो जगह को बोलते हैं इंग्लिश में कैविटी, क्या बोलते हैं जहाँ भी कोई जगह मिलेगा तो इंग्लिश में बोलते हैं कैविटी, क्या बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं गुहा, क्या बोलते हैं तो हो गया मुख गुहा, क्या हो गया मुख गुहा, अरे कदा जान दे कैविटी मतलब होता है गुहा, क्या होता है गुफा, क्या हो गया फिर यहाँ ध्यान दे मुख गुहा हो गया ये, तो भोजन पहले कहाँ गया मुख गुहा, कहाँ गया मुख गुहा, मुख गुहा बार भोजन कहाँ जाता है ग्रास नली में, कहाँ जाता है श्वास नली में जाता है, क्या श्वास नली में जाएगा तो क्या आदमी सड़क जाता है, क्या होता है तो भोजन कहाँ जाता है ग्रास नली में, कहाँ जाता है ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है अमाशय में, कहाँ जाता है अमाशय में, कहाँ जाता है अमाशय में, बता अथी ये क्या है यह यकृत, क्या है यकृत, क्या है यकृत, या इसी को बोलते हैं क्या लीवर, क्या बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं या इसी को बोलते हैं जिगर, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं जिगर और फरिया लेते जिगर तो सबके पास है, कहना पास जिगर ना है सबके पास ना जिगर है, तो इसी को उर्दू में बोलते हैं जिगर, उर्दू में क्या बोलते हैं जिगर, इसका तीन नाम हो गया, कितना नाम हो गया। और यहीं पर एक होता है थैला, यहाँ पर क्या होता है एक थैला होता है, क्या होता है थैला होता है, उसको बोलते हैं पिताशय, क्या बोलते हैं अभी अच्छा सब समझ आएगा हम ध्यान से देखते रहना है, ये क्या हो गया पिताशय, ये क्या हो गया पिताशय, ये क्या हो गया पिताशय, क्या हो गया पिताशय, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या है छोटी आत, क्या है छोटी आत सबसे लंबा भाग है, नाम है छोटी लेकिन उस बड़ा है सबसे, क्या है सबसे बड़ा है, क्या है सबसे बड़ा आत, ये क्या है छोटी आत, ये क्या हो गया छोटी आत, छोटी आत छोटा है क्या छोटी आत, क्या है सबसे बड़ा है, क्या और बड़ी आत से बड़ा है क्या बड़ी आत बड़ा ना है बड़ी आत चौरा है, क्या है तो ये है बड़ी आत, ये क्या है बड़ी आत, ये क्या है बड़ी आत, ये क्या है बड़ी आत। अब यहाँ ध्यान दे ये बड़ी आत हो गया, अब यहाँ सोचना कि बड़ी आत जो है यहाँ छोटी आत के चीर के घुसा, चीर के नहीं घुस रहा, क्या हो रहा है जैसे एक पाइप दूसरा पाइप पर रखा गया तो उसे कोई दिक्कत है कि नहीं अंदर वाला पाइप से अंदर में चल जाएगा बाहर वाला पाइप से बाहर से, तो ये क्या है बड़ी आत जो छोटी आत पर रखा हुआ है ना और दोनों पाइप के द्वारा अलग हो
किसके द्वारा अलग होले? पाइप के द्वारा अलग होले, समझ गया। अब तुम्हें बताना है भोजन पहले कहाँ आता है, मुग्गू आम कहाँ आता है, उसके बाद कहाँ जाता है, ग्रास नली में, या इसी को बोलते हैं फूड पाइप, क्या बोलते हैं, या इसका इसका एक नाम और है इसोफेगस, इसका एक नाम और क्या है, इंग्लिश से बोलते हैं इसको इसोफेगस, 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 ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में, बता भोजन यकृत में जाता है, भोजन यकृत में जाता है, भोजन जिगर में जाता है, भोजन लीवर में जाता है, नहीं जाता है, तो भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में, कहाँ जाता है, अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में, भोजन ये जो पान की पत्ता तेरा इसको बोलते हैं अग्नाशय, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्नाशय, क्या बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं पेनक्रियाज, क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज, क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश से बोलते हैं स्टोमैक, क्या बोलते हैं, स्टोमैक, क्या बोलते हैं, तो बता भोजन अग्नाशय में गया, हाँ, कितना बंदर तुम लोग, अरे तुम लोग को समझ आ रहा है, भोजन अग्नाशय गया, भोजन अग्नाशय जाता है, भोजन अग्नाशय में नहीं जाता है, तो भोजन कहाँ जाता है, अग्नाशय अति भोजन अमाशय बार कहाँ जाता है, छोटी आंत, कहाँ जाता है, और छोटी आंत में भोजन में पूरा खलास पच जाता है, पूरा अच्छा तरह से क्या होगा, उसका जो उपचा भोजन होगा कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, कहाँ जाएगा, और बड़ी आंत में घूमते 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 लास्ट में फिर कहाँ पहुँचेगा, रेक्टम में, कहाँ पहुँचेगा, रेक्टम में, जहाँ पर वो क्या होगा, मल के रूप में जमा हो जाएगा, मल के रूप में, तब पढ़ना है पहले मुग्गुआ के बारे में, फिर पढ़ना है तुमको अमाशय, तब पता चल गया तुमको भोजन कहाँ जाता है, भोजन कहाँ कहाँ जाता है पता चल गया ना, भोजन कहाँ गया पहले मुग्गुआ में, फिर कहाँ गया ग्रास नली में, फिर कहाँ गया अमाशय में, फिर कहाँ गया छोटी आंत में, फिर कहाँ गया बड़ी आंत में, समझ गया, भोजन यकृत में गया, भोजन पित्ताशय में गया, भोजन अग्नाशय में गया, नहीं इसमें भोजन जाता है, ये सब अलग से मदद करता है, अलग से क्या करेगा, भोजन को पचाने में मदद करेगा, भोजन को पचाने में मदद करेगा। तो पहले हम अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो, ये लोग बता देना चाहते हैं कि मेरा एक चैनल है जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना, इसमें क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तुम लोग जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना, जगदेव ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरा फोटो देख के करना है सब्सक्राइब को, ठीक है ना, चलिए यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दे, तो भोजन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है ये ध्यान दो, तो भोजन का परिवहन, भोजन का, तो भोजन कहाँ कहाँ जाता है ये ध्यान दे, भोजन का पाचन होता है तो कौन कौन मदद करता है, भोजन का पाचन होता है तो भोजन पहले कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दे, भोजन यहाँ ध्यान दे, भोजन जहाँ जाएगा, भोजन जहाँ जाएगा, भोजन जहाँ जाएगा उसको बोलेंगे आहार नार, क्या बोलेंगे, आहार मतलब क्या होता है, भोजन, आहार मतलब भोजन, और उसका नाल यानी नली, हाँ। जिस नली जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आहार नाल, आहार आहार मतलब भोजन, नाल मतलब नली, यानी जिस नली से भोजन जाएगा उसको बोलेंगे आहार नाल, क्या बोलेंगे, और यहाँ पर भोजन गया, यहाँ पर भोजन गया ना, यहाँ भोजन गया, इस अलग से मदद कर रहा है ना, इस अलग से क्या करेगा, मदद करेगा, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सहायक भाग, क्या बोलेंगे, इस सहायता करेगा, क्या करेगा, सहायता, तो इसको बोलेंगे सहायक भाग, सहायक, तो आहार नाल में पहला क्या हो गया बता, मुख में गया भोजन, मुख में भोजन गया, तो पहला हो गया मुख गुहा, पहला क्या हो गया, मुख गुहा, क्या हो गया, दूसरा कहाँ जाता है भोजन, उसके बाद जल्दी बताओ फटाफट, तुम लोग बताओ फटाफट, दूसरा नंबर भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में, क्या कहाँ जाता है, ग्रास नली में, भोजन कहाँ गया, ग्रास नली में, बताओ ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ गया, अमाशय, कहाँ गया, अमाशय में, अमाशय के बाद भोजन कहाँ गया, छोटी आंत, कहाँ गया, छोटी आंत, छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ गया, तो छोटी आंत में पूरा पच पच जाता है भोजन, और छोटी आंत के बाद कहाँ चल जाता है, ओ पचा भोजन कहाँ चल जाता है, बड़ी आंत में, कहाँ चल जाता है, बड़ी आंत में, इतना समझ गया, इसको बोल, ये हो गया आहार नाल के भाग, आहार नाल के, क्योंकि भोजन यहीं जाता है, इसके सिवाय कहीं जाता है, तो ये हो गया आहार नाल के भाग, इसका लंबाई कितना होता है, इसका लंबाई होता है इस पूरा मिलाकर, यहाँ से लेके यहाँ तक मिला के लगभग होता है 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर, समझ रहा है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, नाप लेना, तो 8 से 10 मीटर, 8 से पूछे बताइए आहार नाल में, यहाँ ध्यान दे, आहार नाल की क्यों, क्या हो गया 8 से 10 मीटर, क्या हो गया, आप पूछेगा आहार नाल में सबसे लंबा कौन है, इसमें मुगुआ सबसे लंबा है कि ग्रास नली है कि अमाशय है कि छोटी आर की बड़ी आत है, तो सबसे लंबा है छोटी आर, क्या है, क्योंकि ये बहुत घुमा हुआ रहता है, देखेगा ना तुम लोग जब अथी पठौटा काटेगा अभी होली में, तुम लोग भी देख लेना तो कैसा इस तरह घुमा रहेगा, नहीं रहता है, जिसको ऐसे पैसे पकड़ के जैसे करता है, खींचता है ना, तो बहुत लंबा होता है, सबसे लंबा कौन होता है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, छोटी आर, कौन होता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग
छोटी आठ होता है, कितना कौन होता है ये अकेला छोटी आठ होगा 6 मीटर, अकेला छोटी आठ कितना होता है 8 से 10 मीटर ही होवे करता है, अकेले हो जाता है 6 मीटर, कितना हो जाता है तो छोटी आठ अकेले कितना होता है 6 मीटर। सहायक भाग में कौन कौन आएगा, सहायक भाग में पहला कौन आएगा, पहला आएगा यकृत, कौन आएगा यकृत को ही बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं या इसी को बोलते हैं जिगर, क्या बोलता है तुम्हें कहेगा छोटा है ना कि जिगर हो तो जिगर सबके पास है, जिगर क्या पहना है जिगर सबके पास है, यकृत क्या है उसके यकृत का यकृत, उसके बाद कौन सहायता करता है तो पिशाच, यकृत में ही पिताशय है, यकृत में ही क्या है उसके बाद आता है अग्नाशय में, कौन आता है अग्नाशय से सहायता करने के लिए, कौन आता है अग्नाशय से सहायता करने के लिए, कौन आता है अग्नाशय, ये दोनों कैसे सहायता करेगा तो यहाँ ध्यान दे, यकृत से निकलता है एगो रस, क्या निकलता है जूस, क्या निकलता है इंग्लिश से बोले जूस हिंदी में रस, तो यकृत से निकलता है रस, क्या निकलता है रस जिसको बोलते हैं पीत, क्या बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं पीत, क्या बोलते हैं पीत, क्या बोलेंगे पीत, और पीत जो निकलेगा या कृषि से कास निकलेगा या कृषि से निकलेगा और जाके देखे यहाँ एगो थैला नहीं आ रहा है, एगो थैला नहीं आ रहा है, ये थैला में जाके जमा हो जाएगा, थैला में क्या हो जाएगा जाकर जमा हो जाएगा, इस थैला को बोलेंगे क्या पीताशय, क्या तो पूछ तो बता जल्दी ये पीत कहाँ से निकलता है, पीत कहाँ से निकलता है, पीत जमा कहाँ होता है, तो पीत जिस थैला में जमा होता है उसका नाम क्या है पीताशय, को इंग्लिश में बोलते हैं गोल ब्लेडर, क्या 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 बोलते हैं तो क्या करेगा ये जो पीत जो निकलेगा फिर यहाँ से वो पाइप लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा यहाँ से एक पाइप लगा रहेगा, क्या रहेगा लगा रहेगा यहाँ से वो पाइप बोल रहे हैं कार किसको ना जाएगा पाइप के थ्रू जाएगा, क्या बोल रहे हैं तो यहाँ से पाइप लगा रहेगा किसमें तो छोटी आँख में जुड़ा रहेगा, किससे जुड़ा रहेगा छोटी आँख में जुड़ा रहेगा, किससे जुड़ा रहेगा कि जैसे ही भोजन पहुँचेगा छोटी आँख में ना तो उसे यहाँ से वो जाएगा यहाँ से यहाँ से क्या लगा हुआ है पाइप लगा हुआ है, पाइप से पीत कहाँ पहुँचेगा यहाँ कहाँ पहुँचेगा अब भोजन को पकड़ के भोजन को क्या करेगा पचाएगा, क्या करेगा पचाएगा, क्या करेगा अब बता यहाँ पाइप लगल है तो इसका इसका भी काम है ना तो अग्नाशय ध्यान दे अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय अग्नाशय रस, क्या निकलता है अग्नाशय से क्या निकलता है अग्नाशय रस, क्या निकलता है इससे निकलता है अग्नाशय, अग्नाशय में पाया जाता है अग्नाशय अग्नाशय रस, क्या निकलेगा अग्नाशय रस, अग्नाशय रस में कौन कौन पाया जाएगा तो ध्यान दो अग्नाशय रस में कौन कौन रहेगा यहाँ लिख रहा है अग्नाशय रस में तीन चीज रहता है, कितना चीज रहता है तीन चीज, कितना रहता है तीन को पाया जाता है, एक पाया जाता है लाइमेज, क्या क्या पाया जाता है उसे आगे पढ़ाएंगे अभी अभी तुम लोग टेंशन नहीं लेना है, लाइमेज क्या होता है लाइपेज, लाइपेज क्या होता है फिर होता है एक एमाइलेज, क्या होता है एमाइलेज, क्या होता है ए माइलेज, क्या होता है एक होता है ट्रिप्सिन, क्या होता है ट्रिप्सिन, ये सब क्या है ये सब एंजाइम है, ये सब क्या है एंजाइम है, ये सब क्या है तो यहाँ से वो पाइप जुड़ा रहेगा, यहाँ से क्या रहेगा एक ठो पाइप जुड़ा रहेगा क्योंकि इससे तो भोजन जाएगा नहीं तो टुकड़ टुकड़ देखते नहीं रहेगा क्योंकि इसका भी काम भोजन को पचाना है, इसका भी काम क्या है भोजन को पचाना, तो भोजन इसमें जाएगा भोजन इसमें जाएगा भोजन इसमें नहीं जाएगा भोजन इसमें तब तो भोजन जब इसमें नहीं जाएगा तो भोजन पचेगा इससे नहीं तो इससे निकलता है तीन एंजाइम, कितना निकलता है एक लाइपेज एक एमाइलेज एक ट्रिप्सिन, एक लाइपेज एक एमाइलेज एक ट्रिप्सिन, तो इसको जाना भोजन को पचाने के लिए कैसे जाएगा तो रास्ता जाएगा तो रास्ता उसका नली होना चाहिए तो यहाँ से एक नली जुड़ा रहता है, क्या होता है जिसको बोलते हैं अग्नाशय नली, क्या बोलते हैं क्योंकि अग्नाशय निकल रहा है ना तो अग्नाशय नली क्या होगा और ये भी जुटा रहता है किसे जाके छोटी आँख से, किसे जुड़ा रहता है छोटी आँख से, किसे जुड़ा रहता है छोटी आँख से, अब यहाँ से निकलेगा तीन गो एंजाइम निकलेगा जाएगा तो छोटी आँख में भोजन को क्या करेगा पचाना शुरू कर देगा, क्या करेगा पचाना, इतना समझ गया तुम लोग तो आ नली में कौन कौन आता है आ नल पूछेंगे आ नली में यकृत आता है, आ नली में यकृत आता है, आ नली में मुगुआ आता है, आ नली में अग्नाशय आता है, आ नली में अमाशय आता है, आता है तब पहले पढ़ना हमको मुगुहा बारे में, किस बारे में पढ़ना है मुगुहा बारे में, क्या पढ़ना है जल्दी बताओ मुगुहा में क्या क्या पाया जाता है मुगुहा आता है हाकर तो क्या क्या मिलेगा एक मिलेगा जीभ एक मिलेगा दांत, क्या क्या मिलेगा मुगुहा मिलेगा एक जीभ मिलेगा और एक दांत मिलेगा और एक तो ग्रंथि मिलेगा इसको बोलेंगे लाल ग्रंथि, इससे लाल निकलता है लाल नहीं निकलता है किसी किसी को देखता है ना किसा लाल तपटे रहता है ना हम लोग का लाल कब निकलता है जब भोजन करते हैं और भोजन को क्या करता है मिला देता है अच्छा से और थोड़ा मीठा लगने रहता है भोजन तब मुगुहा कितना चीज़ पढ़ना है मुगुहा पढ़ना तीन चीज़ एक दांत के बारे में एक जीभ के बारे में और एक लाल ग्रंथि के बारे में किसके बारे में तो तीन चीज़ यहाँ पर एक लाल ग्रंथि इस तरह रहता है तुम लोग देखना छू के ऐसा अंदर ले जाएगा हाथ में क्या वो इस तरह लटका रहता है लटका हुआ नहीं रहता है लटका हुआ रहता है उसको बोलते हैं लाल ग्रंथि क्या बोलते हैं लाल ग्रंथि क्या रहेगा लाल ग्रंथि तो मुगुहा कितना चीज़ के बारे में पढ़ना है तीन चीज़ के बारे में कितना चीज़ के बारे में तीन चीज़ के बारे में क्या क्या बोलें दांत के बारे में जीभ के बारे में और लाल ग्रंथि के बारे में दांत के बारे में जीभ के बारे में और लाल
ग्रंथि के बारे में, तीन चीज के बारे में पढ़ना है। कितना चीज के बारे में? तीन चीज के बारे में, ठीक है ना। तुम्हें पिक्चर पहले बना ले, बना लेगा तो पिक्चर बना ले। आप पढ़ना पढ़ना शुरू करते हैं मुग्गुआस, कहाँ शुरू करते हैं मुग्गुआस, ठीक है ना। पिक्चर बनाओ, सब लिख पहले आराम से, तुम लोग भी आराम से उसके आराम से पढ़ेंगे, बड़ी मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे। अब क्या करेंगे, अब एक सब के बारे में पढ़ेंगे, जितना जगह भोजन गया आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आहार नाल पहले क्या आएगा, पहले आएगा मुग्गुआ, क्या आएगा? तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, समझ रहा है ना। उसके बाद इसके बारे में साथ 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 ये दोनों भी पढ़ लेंगे, चैप्टर हो जाएगा समाप्त। क्या होगा? तो पहले करते हैं मुग्गुआ, किससे स्टार्ट करते हैं? तुम लोग को पिक्चर इसी तरह बना, जिस तरह किताब में दिया हो उस तरह नहीं बनाना है, ठीक है। किताब में डायरेक्ट फोटो खींच के दे दिया है, लेकिन तुम लोग फोटो पिक्चर जो इसी तरह बनाना है, समझ रहा है ना। इसी तरह हम जैसे छोटी आठ हम ऐसे से दिए हैं तो ऐसे बनाना है, बरियात किस तरह दिए इसी तरह बनाना है। तुम लोग को भी फोटो जिस तरह पिक्चर में दिया उस तरह नहीं बनाना, उस तरह बनिए बनेगा ना, इसी तरह बनाना है, समझ गया ना। अब ने पढ़ते पहले मुग्गुआ बारे में, किसे बारे में पढ़ते हैं? पहले यहाँ ध्यान दे, भोजन पहले कहाँ आया? पहले आया कहाँ? मुख में आया, तो उसको बोलते हैं मुग्गुआ। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश से बोलते हैं इसको मुग्गुआ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं? मुख को माउथ, और गुआ को कैविटी। क्या बोलते हैं? कैविटी। क्या बोलते हैं? तो माउथ कैविटी, माउथ या मुँह से क्या करते हैं? बकबक करते हैं। अरे मुँह से सब बकबकाता है, तो इसको बकल कैविटी भी बोलते हैं, बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी, बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ जाने तुम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे मुग्गुआ बारे में, किसके बारे में? क्योंकि मुग्गुआ में पहले भोजन जाता है, तो पढ़ेंगे मुग्गुआ बारे में। तो मुग्गुआ में बताया था कितना चीज पाएगा, तो हा कर यानी मुँह, मुँह मुँह जब हा करते तो क्या क्या दिखाई देता है? जीभ दिखाई देता है, एक दांत दिखाई देता है, और एक दिखाई देता है जो लाल निकलता है, लाल निकलता है ना, उसको बोलते हैं लाल ग्रंथि। पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में? पहले पढ़ेंगे दांत के बारे में, किसके बारे में? दांत के बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में, किसके बारे में? जीभ के बारे में, और जीभ के बारे में बार पढ़ेंगे लाल ग्रंथि। क्या पाएंगे? जो लाल निकलता है, तो किससे निकलता है? ग्रंथि से। किससे निकलता है? तो लाल ग्रंथि के बारे में, लाल ग्रंथि के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो दांत के बारे में पहले पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत के बारे में। तो दांत हम लोग को कितना पाया जाता है? अभी तुम लोग को 32 ना होगा, 32 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो एक जो यंग अति है, मतलब जिसका 20 साल के पार हो जाएगा लगभग, तो कितना उसका जीवन में कितना दांत आता है? 32। कितना आता है जीवन में उसका? दो बार दांत आता है ना जीवन में। मनुष्य के जीवन में कितना बार दांत आता है? मनुष्य के जीवन में कितना बार दांत आता है? दो बार आता है। कितना आता है? एक होता है दूध का दांत। क्या होता है? दूध का दांत ना होता है जो टूट जाता है, दूध का दांत ना टूटता है। एक होता बंदा यहाँ ध्यान देगा, मनुष्य के जीवन में पूछा कितना बार दांत आता है, बोलना दो बार। कितना? एक बार आता है दूध का दांत। क्या आता है? अरे कहता है अस्थायी दांत। जब दूध का दांत टूट जाएगा तो जो दांत आएगा उसको बोलेंगे अस्थायी दांत। क्या बोलेंगे? अस्थायी दांत। क्या बोलेंगे? अस्थायी दांत। तो दूध के दांत क्या होता है? अस्थायी होता है क्या? नहीं, वो टूट जाता है। क्या होता है? तो दूध का दांत कितना होता है? दूध के दांत कितना होता है चलिए बता तुम लोग। बीस गो। कितना होता है? तो दूध के दांत होता है 20। कितना आता है? दूध और अस्थायी दांत कितना आता है? अस्थायी दांत आता है 32। कितना आता है? 32। कितना होता है? अस्थायी दांत कितना होता है? 32। कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? देखा तुम लोग को लाया होता था ना, बोलते 32 तोड़ देंगे। 32 मतलब 32, 32 मतलब यानी बोरा 32 दांत तोड़ देंगे। 32 दांत आप देखा, 32 दांत जो है ये चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 32 दांत कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार होता है। कितना होता है? 32 दांत कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। यहाँ ध्यान दे आराम से समझ। तो 32 दांत कितना दांत होता है? 32 दांत। 32 दांत को बांट दिए हम चार भाग में। कितना भाग में? चार भाग में। कितना भाग में? चार भाग में। जो पहला भाग होता है तो उसको बोलते हैं इनसाइजर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनसाइजर। क्या बोलते हैं? अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, इनसाइजर इंग्लिश में भी इनसाइजर या IN ली रहना, ठीक है। इनसाइजर क्या है? तो पहला दांत क्या बोलते हैं? इनसाइजर। क्या बोलते हैं? एक दांत होता है इनसाइजर, दूसरा होता है क्या? केनाइन। क्या होता है? केनाइन इंग्लिश वर्ड है। क्या इंग्लिश वर्ड है? इसको खाली हम हिंदी में लिख रहा है, समझ रहा है कि तुम लोग को पढ़ने में आसानी हो। तो इंसाइजर केनाइन। फिर होता है क्या? प्रीमोरल। क्या होता है? प्रीमोरल। क्या होता है? प्रीमोरल। फिर क्या होता है? मोरल। क्या होता है? मोरल। इंसाइजर को INCISOR इंसाइजर हो गया, ये हो गया केनाइन। क्या हो गया? केनाइन। लिख दिए ऐसे कि तुम लोग को पढ़ने में इजी हो। अब देख इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं?
इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दांत। दांत तो 32,000 का हो गया ना, तो 32 दांत होता है, कितना दांत होता है? 32 को उसको भागो चार भाग में, क्या कितना भाग में बांटे? चार भाग में, कितना भाग में बांटे? चार भाग में, एक इंसाइजर, एक केनाइन, एक प्रीमोरल, एक मोरल। एक इंसाइजर, एक केनाइन, एक प्रीमोरल, एक मोरल। अब यहाँ इंसाइजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतक, क्या बोलते हैं? इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम लोग इंसान को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। क्या बोलते हैं? फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रद्दनक। क्या बोलते हैं? केनाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रद्दनक। क्या बोलते हैं? रद्दनक। क्या बोलते हैं? और प्रीमोरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। प्री मतलब अग्र, प्री मतलब अब मोरल मतलब चवर्णक, मोरल मतलब चवर्णक। आप मोरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चवर्णक। क्या बोलते हैं? चवर्णक। क्या बोलते हैं? अब तुमको पहचाना है कौन इंसायर है, कौन केनाइन है, कौन प्री मोरल है, कौन मोरल है। तो तुम लोग हंसता है जब, तो जो पहले दांत दिखाई देता है आसमान करने में, जो पहले दांत दिखाई देता है क्या है? वो है इंसायर। क्या है इंसायर? कौन है? इधर हम देख रहा है चौरा चौरा, चौरा दो ऊपर है और चौरा दो नीचे है, सामने नहीं दिखाई दे रहा है। दो सब सबके अपना अपना देख रहा है टच करके, ठीक है ना? अरे बंदर रे, यहाँ ध्यान देने पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे अंदर दो चार ने घुलट जाएगा बंदर कहीं का। क्या बोल रहे हैं कि इंसायर कौन दांत देते? जैसे जैसे हंसता है दो दांत दिखाई देता है ना, सामने दो दांत ऊपर चौरा, दो दांत नीचे चौरा, वो क्या है? इंसाइजर। कितना है? तीन इंसाइजर कितना हो गया? चार। कितना हो गया? उससे केनाइन क्या है? उसका दो दांत दोनों चौरा दांत के बगल में, एक दांत इधर नुकीला है, नुकीला है, एक दांत देख रहे हैं इधर नुकीला है, नुकीला है ना? तो दो दांत ऊपर नुकीला हो गया। सब अपना टच करके देख, तू भी टच करके देख अपना, दोनों चौरा के बगल में है, दो नुकीला, एक इधर नुकीला, एक इधर नुकीला, एक इधर नुकीला, एक इधर नुकीला है ना? तब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। इंसाइजर जो है कितना होता है? इंसाइजर कितना होता है? चार होता है ऊपर, चार होता है और चार होता है नीचे, देख रहा है? ऊपर में देख, चार को छोटा छोटा डाट है, तो इंसाइजर हो गया आठ। कितना हो गया? और केनाइन कितना होता है? जो नुकीला इंसाइजर के जस्ट बगल में, इंसाइजर के जस्ट, इंसाइजर के जस्ट बगल में, इधर नुकीला, एक इधर नुकीला, एक इधर नुकीला, एक इधर नुकीला, कितना हो गया? चार। कितना हो गया? तो इंसाइजर केनाइन कितना हो गया? चार। कितना हो गया? रत्ना कितना हो गया? चार। कितना हो गया? फिर प्री मोरल, मोरल मतलब अग्र चबरना, यानी आगे वाला चबाने वाला, आगे वाला, आगे वाला, समझ रहा है ना? तो कितना होता है? तो यहाँ जो चीज़ें चबाते हैं, इसे क्या कहते हैं? चबाते हैं, इधर से है ना, इसके जस्ट आगे, इसके नुकीला जाते हैं, नुकीला जाते हैं ना, इसके जस्ट बाद, इससे जस्ट बाद, ठीक है ना? इधर कितना होता है? इधर होता है दो। कितना होता है? इधर भी कितना होता है? दो। और फिर ऊपर भी कितना होता है? दो। इधर भी कितना होता है? तो सब मिला कितना हो गया? आठ। कितना हो गया? आठ। उसके बाद फिर लास्ट में, फिर लास्ट में जो सब लास्ट में होता है, तीन तीन को बहुत चौड़ा चौड़ा दांत, ठीक है ना? तो अभी नहीं निकलेगा, वो निकलेगा लास्ट में, ठीक है ना? अच्छा, दो को निकला है, एगो जो लास्ट में होता है इसको बोलता है अकल दत्ता। क्या बोलते हैं? इसमें देख, इसमें कितना दांत होता है? यहाँ ध्यान दे, अग्र चबरना के बाद इधर तीन को लास्ट में, इधर तीन को, फिर इधर तीन को, फिर इधर तीन को, फिर इधर तीन को लास्ट में, सब मिला कितना? बारह। कितना को? तो चबरना कितना होता है? बारह। कितना होता है? इस सबसे सबसे चौरा होगा, सबसे सबसे चौरा कौन होगा? इस चबरना कौन होगा? चबाना सबसे चौरा होगा। कितना होता है? बारह। कितना होता है? तो इसमें जो लास्ट चबरना जो होता है, जो लास्ट चबरना बारह का है, इसमें सबसे लास्ट तीन को इधर है, लास्ट तीन को में सबसे लास्ट इधर बोला, तीन को इधर है, ऊपर में तीन को है, तीन को इधर सबसे लास्ट जो होगा, फिर तीन को नीचे है, उसमें सबसे लास्ट होगा, फिर तीन को इधर है, इसमें सबसे लास्ट होगा, उसी को बोलते हैं अकल दत्ता। क्या बोलते हैं? अकल दत्ता। अकल दत्ता ही नहीं कि उसको आ गया तो अकल आ गया, उसका मतलब ये है कि जब आदमी बहुत बड़ा हो जाता है ना, जब मतलब उसका बुद्धि हो जाता है तब वो दादाता है, इसलिए उसको बोलता अकल दत्ता ही नहीं कि ऊन आएगा तो अकल ना आएगा, मतलब जब बुद्धि हो जाता है, जब आदमी अकल हो जाता है तब दादाता है, इसलिए उसको बोलते अकल दत्ता। क्या बोलते हैं? अकल दत्ता। बारह कितना हो गया? 32 हो गया, आठ चार बारह बारह 24 और 8 32 हो गया ना, तो 32 दांत हो गया। कितना हो गया? तो देख लिया, तो बोलेगा दांत कितने बार का होता है? हमारे जीवन में दांत कितने बार आता है? हमारे जीवन में दांत, हमारे जीवन में दांत कितने बार आता है? चार बार आता है दांत। दो बार कितना आता है? पहला कौन होता है? उसके बाद कौन होता है? दूर का दांत कितना होता है? अच्छा दांत कितना होता है? दूर का दांत टूटता है कि रहता है? टूट जाता है। तुम लोग को टूट जाता होगा, उसको लेकर क्या करता होगा? घास में को देखे ना, घास में देखे उसे क्या करता होगा? यहाँ ध्यान दे, तो कितना होता है? 20। कितना होता है? ये टूटने पर कौन आता है? ये कौन आता है? ये अस्थाई जाता है। क्या है? ये टूट जाएगा तो फिर दोबारा आएगा? आएगा ये दोबारा नहीं आएगा। क्या होगा? तो फिर खिड़की बन जाएगा, टूटेगा ये तो बन जाता है ना। अब यहाँ ध्यान दे, ओह तो फिर अस्थाई जाता कितने प्रकार का होता है? चार। कितना होता है? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल। आप देखो यहाँ पर जो आठ दांत होता है, चौरा चौरा चार के ऊपर चार के नीचे, इसका काम क्या है? इसका काम कुछ नहीं, इसका काम सिर्फ काटना। क्या करना?
काटना है करना। तुम लोग अभी होली आ रहा है, मांस उस खाएगा तो सबके यूज करेगा तुम लोग, यहाँ ध्यान दे। तो इसका काम है सिर्फ काटना, ऐसे काम क्या है काटना, ऐसे काम क्या है तुम्हें रोटी वोटी खाएगा या कुछ अथी करेगा तो इसे क्या करेगा काटेगा, धागा को अथी करेगा तो क्या करेगा काटेगा, क्या करेगा ऐसा काम क्या है इसका, इसका काम है चीरना या फाड़ना। अभी आ रहा है कल तुम लोग खाएगा ना मीट कूट खाएगा एकदम, चीरे फाड़ेगा किससे तो फाड़ेगा केनारी से, किससे केनारी कितना अचार है ना, इससे से तुम लोग क्या करेगा एकदम चीरे फाड़ेगा। गन्ना खाता है गन्ना तो देखा ऐसे लेकिन चिरते हैं ना, गन्ना मतलब ईख या केतारी, केतारी खाता है ना तो चिरता है, कैसे चिरते इसे चिरते हैं कि इधर एक ठो इधर एक ठो इधर एक ठो इधर एक ठो यही है चार वैसे इसलिए चिरते हैं। तो ऐसा काम है चिरना फाड़ना, ऐसा काम क्या है, ऐसा काम क्या है चिरना एवं फाड़ना, चिरना एवं इसीलिए फाड़ेगा। कल तुम लोग तो पूरा एकदम अथी करेगा मांस खाएगा इसे चिरे फाड़ेगा। अब यहाँ यहाँ पर अग्र चबरना क्या है, जो आगे जो चबाने वाला दांत है इसके बाद इसके नुकीला दांत जो है ना इसके बाद जो आगे चबाने वाला उसको बोलते हैं अग्र चबरना। क्या है ये तो ये चीर फाड़ दिया, इसका काम क्या है, इसका काम है पीसना। भोजन को नाम पीसेगा क्या करेगा, पीसना क्या करेगा, ये पीसेगा क्या करेगा, इसका काम क्या है पीसना, क्या क्या तो चबरना मतलब पीसना, चबरना मतलब तो जो आगे पीसेगा उसको बोलते हैं अग्र चबरना। क्या और जो पीछे पीसेगा उसको बोलते हैं चबरना। क्या बोलते हैं कि इसका भी काम है पीसना, क्या करना है इसका काम है पीसना, क्या है पीसना एवं मिलाना, पीसना एवं एवं मिलाएगा ठीक है ना, पीसना एवं मिलाना इतना चीज़ कर दिया दांत, दांत इतना चीज़ कर दिया तो समझ गया दांत के बारे में, दांत के बारे में समझ गया ना। तो दांत जीवन में कितना बार आता है, दो बार, एक दूध का दांत एक अस्थायी दांत। दूध का दांत कितना होता है, अस्थायी दांत कितना होता है, यह अस्थायी दांत कितना बार होता है, कौन कौन होता है, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, हिंदी में कृंतक रदनक अग्र चबरनक चवरनक। कृंतक कितना होता है, इसका काम क्या होता है भजन को काटना। रदनक कितना होता है, इसका काम क्या होता है अग्र चबरनक कितना होता है, इसका काम क्या होता है अचबरनक कितना होता है, इसका काम कितना होता है यही आईसी का लास्ट जो दाता था उसको बोलता है अकल दांत। क्या बोलते हैं अकल दांत, क्या बोलते हैं अकल दांत, इतना समझ आ गया, समझ आ गया ना। तो यह दांत के बारे में, किसके बारे में हो गया, दांत के बारे में, दांत के बारे में। और देख अब यहाँ ध्यान दे, ओए आप देख कोई दांत है वो ले लेंगे, क्या लेंगे ओए बंदर के, यहाँ ध्यान दे। जैसे कोई दांत ले लिए ठीक है ना, ये मान लो दांत है, ये क्या है दांत है, इसे तो ना इधर ऊंचा इधर ऊंचा सब बीच में ढका धसा होता है, ये दांत ले लिए। तो दांत का तीन भाग होता है, कितना भाग होता है दांत का, कितना भाग होता है तीन भाग, कितना भाग होता है तीन भाग होता है, कितना होता है दांत में, जो दांत को पकड़ने के लिए वो जड़ चाहिए ना, दांत को पकड़ने जड़ ना चाहिए तो दांत, तो दांत में एक होता है जड़, क्या होता है जड़, जो दांत को पकड़ के आता है दांत में क्या होता है जड़, कहाँ क्या होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रूट, क्या बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं तो दांत को पकड़ के रखने वाला क्या बोलते हैं जड़, क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं। फिर जब रूट से बाहर निकलेंगे, रूट से बाहर निकलेंगे तो जो चमकता दांत है देख रहा है ये चमक रहा है, इसको क्या बोलते हैं अरे इना ने मेला अभी हटाने, जो बाहर जो दिखाई दे रहा है दांत, जो बाहर दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे गर्दन, क्या बोलेंगे तो ये जो ये कहाँ है मसूरा में घुसा हुआ है, ये कहाँ घुसा हुआ है मसूरा में घुसा हुआ है, तो हो गया जर, वो क्या हो गया जर, क्या हो गया क्योंकि उस जर से वो पकड़ा हुआ है, उस जर से पकड़ा हुआ है ना तब ना दांत हम लोग को खड़ा है, जब जर कमजोर रहता है तो हिलने लगता है ना, हिलने लगता है, हिलने लगता है ना, तो हो गया जर, क्या हो गया जो भाग दिखाई दे रहा है, जो भाग दिखाई दे रहा है ना उसको बोलते हैं गर्दन, क्या बोलते हैं यानी योग्य जर माल जर ठीक है गर्दन हो गया ना, तो ये गर्दन इसको क्या बोलते हैं दांत का गर्दन, दांत का इवला गर्दन नहीं बोला दांत का गर्दन, किसका क्या बोलते हैं इसको गर्दन, क्या बोलते हैं उसके बाद जो भाग यहाँ पर ऊपर जो है क्या है ऊपर इसको बोलते हैं क्या है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुकुट या इसको बोलते हैं क्राउन, क्या बोलते हैं क्राउन, क्या बोलते हैं क्राउन, क्या बोलते हैं जो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या क्राउन, क्या बोलते हैं जो ऊपर है कहाँ है ऊपर इसको क्या बोलते हैं क्राउन, क्या बोलते हैं क्राउन, क्या बोलते हैं। याद हुआ जाल दांत का तीन भाग, कौन कहते कितना भाग, जो मसूरा में धसा रहता है जो जल से बना रहता है उसको क्या बोलते हैं जड़ या रूट, क्या बोलते हैं जो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना इसको क्या बोलते हैं गर्दन, गर्दन क्या बोलते हैं मसूरा बोलते हैं गर्दन, गर्दन क्या बोलते हैं या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में नेक, क्या बोलेंगे नेक, क्या बोलेंगे नेक। और जो भाग ऊपर है क्या है ना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्राउन, क्या बोलते हैं दांत का तीन भाग हो गया, तीन भाग हो गया। अब दांत देख दांत किससे बना होता है, दांत किससे ये दांत जो है ना हुआ है उसको बोलते हैं डेंटाइन, क्या बोलते हैं ये दांत बना हुआ है ना, दांत किससे बना होता है तो डेंटाइन का, किससे बना होता है पूछा गया दांत का अधिकतम भाग किसके बना होता है बोलना डेंटाइन, क्या बोलना है तो दांत 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 बना होता है, दांत बना जो दिखाई दे रहा है ना
जो दिखाई दे रहा है दांत, इधर दांत दिखाई दे रहा है तो बोला किससे बना है, तो उसको बोला डेंटाइन से। कैसे बोलना है? डेंटाइन। क्या बोलना है? डेंटाइन। क्या बोलना है? डेंटाइन। और डेंटाइन के ऊपर एक परत है। क्या है? डेंटाइन के ऊपर क्या है? एक परत है जो चमकता है ना, किसी का पीला हो गया होगा ना, धोएगा तो पीला ना होगा। तो डेंटाइन के ऊपर क्या है? एक परत है। क्या है? परत जो चमकता है, पूरा चमचम करता है ना, उसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? कि इसके ऊपर एक परत रहता है। क्या होता है? इसके ऊपर एक परत होता है। क्या होता है? ए बंदर, इसके ऊपर एक परत होता है। क्या होता है? परत। उसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। इसके ऊपर एक परत होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। इनामेल किससे काम करता है? तो चमकने का काम करता है। कैसे करता है? दांत एकदम चमचम करेगा, जिसका जो अच्छा मुंह होएगा उसका इनामेल यहाँ पर दांत के ऊपर एक परत रहेगा। ऐसे रूम के ऊपर ऊपर परत रहते हैं तो चमचम नहीं करता, उसके दांत के ऊपर एक परत होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? और इनामेल जो है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। सबसे कठोर पूछेगा हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है, सबसे कठोर भाग कौन है, तो बोलना इनामेल। क्या है? दांत के ऊपर एक परत होता है जिसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? और इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। सबसे कठोर भाग है, हड्डी नहीं बोल रहे हम, क्या कह रहे हैं? सबसे कठोर भाग, सबसे जितना भी शरीर में भाग है, ठीक है, सबसे कठोर कौन है? इनामेल। क्या है? क्या है सबसे कठोर भाग है? क्या है सबसे, पूछेगा सबसे कठोर भाग कौन है? इनामेल। कौन है सबसे कठोर? ये कौन है सबसे कठोर? इसलिए यह है क्योंकि इसमें 1% पानी नहीं पाया जाता, 1% पानी, इसे सबसे कठोर है। क्या है सबसे कठोर? क्या है सबसे कठोर? दांत के बारे में इतना समझ गया, दांत के बारे में इतना समझा। अब दांत में क्या होता है? दांत जब से मान लो मीठा उठा सामान खा लिया, खा लिया मीठा सामान, अब अच्छा दांत नहीं धोएगा, इस रात में मीठा उठा खा लिया, दांत अच्छा नहीं धोया, ठीक है ना, 2-3 दिन तक नहीं धोया दांत, तो क्या होगा उसमें जो मीठा है उस पर क्या करेगा? उस पर बैक्टीरिया लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बैक्टीरिया। क्या लगेगा? बैक्टीरिया। मान लो रसगुल्ला वसगुल्ला जो बहुत चीज़ मतलब खा लिया, खा लिया ना, तो मुँह नहीं धोया अच्छा से, तो वहाँ पर बैक्टीरिया लगेगा। क्या लगेगा? और बैक्टीरिया लग के उसको क्या करेगा? उसको बदल देगा, जो मीठा पाया उसको अम्ल में बदल देगा। क्या बदल देगा? अम्ल में बदल देगा। और अम्ल क्या करेगा? दांत के इसी को नष्ट कर देगा। किसे, किसको पहले नष्ट करेगा? पहले इनामेल को। किसको नष्ट करेगा? ये सबसे कठोर भाग है ना, ये दांत के ऊपर जो चमक रहा है वही भाग है ना, इनामेल को नष्ट करेगा। फिर इनामेल को नष्ट करने बाद किसको नष्ट करेगा? डेंटाइन को। क्या करेगा? डेंटाइन को। क्या करेगा? तो उसको बोलते हैं दंत अस्थि क्षय, यानी दंत का क्षय होना, दंत अस्थि क्षय, दंत का क्षय होना। क्या बोलते हैं? दंत अस्थि क्षय। क्या होता है? दंत अस्थि क्षय किसके द्वारा होता है? तो जब भोजन करेगा, मीठा चीज़ खाएगा, मुंह अच्छा नहीं धोएगा, उस पर लग जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उस भोजन को क्या करेगा? अम्ल में बदल देगा, अम्ल क्या करेगा? दांत को नष्ट कर देगा। तो उसको बोलते हैं दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि, समझ आया? और तुम्हें लिखा मुँह नहीं धोता तो क्या होता है? पीला ऐसा पलक दांत पर बढ़ जाता है, दांत पर बढ़ जाता है, बढ़ता है, उसको बोलते हैं दंत पलक। क्या बोलते हैं? किसके मुँह पर बैठा हुआ, किसका दांत में बैठा हुआ पीला ऐसा? हाँ, किसका बैठा है? तुम में किसी का बैठा है? जिस पर बैठा है उसको बोलते हैं दंत पलक। क्या बोलते हैं? दंत पलक। क्या उसको बोलते हैं? दांत के बारे में खत्म हो गया ना, तो दांत हो गया तुम लोग खत्म। कितना हो गया दांत? क्या हो गया? खत्म। आप पढ़ेंगे जीभ के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? जीभ के बारे में, ठीक है। तो पहले छाप तुम लोग, उसके बाद जीभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे लाल ग्रंथि के बारे में। जल्दी कर, ना ना ना, दांत के बारे में पढ़ लिया ना, अब पढ़ेंगे जीभ के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? दांत खत्म हो गया ना, दांत कितने, दांत जीवन में दांत कितना बार आता है? कितना बार आता है? पहला दांत क्या है? दूध का दांत कितना होता है? अस्थायी दांत कितना होता है? 32 दांत कितने भाग में बांटे हैं? पहला कौन होता है? उसके बाद दूसरा क्या होता है? कैनाइन। फिर क्या होता है? प्रीमोरल। फिर क्या होता है? मोरल। बताया थे फिर कितना होता है? अब यहाँ आप पढ़ेंगे जीभ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीभ के बारे में। जीभ के किसके बारे में पढ़ेंगे? तो जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो जीभ क्या होता है? जीभ एक मांस का बना हुआ संरचना होता है। हाँ। क्या होता है? मांस का बना हुआ संरचना, मांस के बना होता है ना। हाँ। कि जीभ हड्डी का बना होता है? किसका जीभ हड्डी का बना? जीभ किसका बना होता है? जीभ होता है मांस का बना हुआ संरचना। जीभ क्या होता है? तो जीभ क्या है? जीभ है मांस का, मांसल संरचना है। क्या है? मांसल संरचना, यानी मांस का बना हुआ संरचना। तो जीभ क्या है? मांसल संरचना। क्या है मांसल? इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र ना होता है, देखा अगला भाग ऐसे ऐसे ऊपर नीचे सगलो हिला देता है, नहीं हिलाता है तो लोग जीने दुसता है किसी को, तो ऊपर नीचे आगे पे सगलो हिलाता है ना। तो अगला भाग क्या होता है? स्वतंत्र। अगला भाग क्या होता है? अगला भाग से क्या होता है? अरे बंदर यहाँ अंदर, अगला भाग से क्या होता है? स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। पिछला स्वतंत्र होता है क्या? पिछला जुड़ा होता है हड्डी से, जिसको बोलते हैं हायोड बोन। क्या बोलते हैं? तो पिछला भाग स्वतंत्र नहीं होता, पिछला भाग स्वतंत्र नहीं होता है। अब जीभ में हम खाते हैं तो कहीं रसगुल्ला खाएं मीठा लगा, मिर्च खाएं तीता लगा, उसके बाद नमकीन खा लिए तो नमक ऐसा लगा, नहीं लगा? लगा ना। तो कहीं तीखा लगता है, कभी मीठा लगता है, कभी करवा यानी तीखा लगता है, फिर नमकीन लगता है, फिर प्याज खाता है तो झंझनाहट होता है, थोड़ा ना होता है?
ये सब कैसे लगता था? आगे जो इसका इसका आगे जो होता है मीठा स्वाद होता है, क्या होता है? मीठा। किधर होता, क्या होता है? आगे होता है मीठा। आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? ये जो अति साइड में है, यह है नमकीन वाला, साइड में क्या है? यहाँ आगे है मीठा स्वाद, आगे क्या है? आगे क्या है? तो कहेगा जीभ का अगला भाग में किसका स्वाद होता है? जीभ का अगला भाग में क्या स्वाद होता है? मीठा का। इसके पीछे भाग में नमकीन खा लिया आराम से, तो नमकीन किधर लगेगा? साइड में। किधर लगेगा? साइड में। साइड में किधर लगता है नमकीन? क्या लगता है? तो नमकीन का स्वाद किधर होता है? साइड में। किधर होता है? जीभ के साइड में। जीभ के साइड में। और पीछे क्या होता है? पीछे होता है क्या? पीछा होता है तीखा। क्या होता है? तीखा। पीछे क्या होता है? तीखा। क्या होता है? तीखा को ही बोलते हैं करवा। क्या बोलते हैं? तीखा को ही क्या बोलते हैं? तीखा को क्या बोलते हैं? करवा। क्या बोलते हैं? करवा। तो बोलो, तो बताओ, जीभ में, जीभ में हो गया। और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो थोड़ा होता क्या, जब प्याज खाता है ना, तो तुम लोग प्याज खाए तो तुरंत झांस नहीं लगता, लगता है कुछ देर बाद लगता है, नहीं लगता है? प्याज वाज खाता है? खट्टा भी यही है ना, यहाँ ध्यान दे, ये इधर जो है ये हो गया खट्टा। क्या हो गया? खट्टा। यहाँ पर जो आगे वाला है क्या है? ये नमकीन। ये क्या है? नमकीन। क्या है इसका? इधर जो बच्चे खाया खट्टा। क्या है? खट्टा। क्या है? बीच में सब रहता है, सबके हाथ के बीच में। यहाँ ध्यान दे, मानो दो चार होश में आ जाएगा। यहाँ ध्यान दे, यहाँ पीछे क्या है? खट्टा। क्या है? और यहाँ आगे वाला तिरछा क्या है? नमकीन। क्या है? और पीछे वाला साइड वाला क्या है? खट्टा। क्या है? और पीछे क्या है? तीखा करवा। क्या है? और प्याज खाता तो लास्ट में झंझनाट होता है ना, तो उसमें झांस लगने लगता है लास्ट में, क्योंकि जो झंझनाट जो होता है, जो 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 थोड़ा करवाहट होता है, जो झंझनाट होता है, जो होता है ना, प्याज खाता तो अलग अलग स्वाद ना आता है, झंझनाट का ना होता है, तो होता है लास्ट में। क्या होता है? तो झंझनाहट, झंझनाहट जो झांस लगता है उसको बोलते हैं, क्या होता है? झंझनाहट। क्या बोलते हैं वो? सबसे लास्ट होता है। क्या सबसे लास्ट में होता है? आगे वाला भाग, आगे वाला भाग मीठा, आगे वाला भाग मीठा, आगे वाला, आगे वाला साइड वाला भाग, आगे का किनारा वाला भाग, आगे का किनारा वाला भाग, आगे पीछे का किनारा वाला भाग, पीछे के किनारे वाला भाग खट्टा, पीछे वाला भाग तीखा या करवा, पीछे वाला भाग तीखा या, और एकदम पीछे वाला भाग झंझनाहट। क्या होता है? जैसे प्याज खाते हैं, लहसुन सुन खाते हैं, तो लास्ट में झंझनाहट होता होता है ना, तो वही हो गया। समझ गया? यहाँ पे सबका हक है। यहाँ क्या है? सबका, यहाँ सब मिलल है। यहाँ क्या है? सब मिलल है। समझ गया? तो जीव कैसा है? मांसल संरचना। जीव कैसा है? मांसल संरचना है। समझ गया ना? अब यहाँ जीव पर पाया था, जीव को ऐसे जीव पर ऐसे हाथ चला रहे, क्या होता है? खुदरा खुदरा पाया जाता है, खुदा खुदा नहीं होता है, खुदा खुदा जिसको नहर ना आ रहा हो, जाना ना गर्म चाय, ना गर्म करना चाहे पी लेना, जैसा क्या होगा? तो वो जो खुदरा खुदरा है ना, वो ऊपर आ जाएगा, आएगा ऊपर, अब पूरा तीन चार दिन तक ना खर 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 करते रहेगा, करते रहता है, तो उसको बोलते हैं स्वाद कलियाँ। क्या बोलते हैं? तो जीव के ऊपर पाए थे स्वाद कलियाँ। क्या पाए थे? स्वाद कलियाँ, स्वाद को बताने वाला कलियाँ, स्वाद को बताने वाला। तो जीव जीव के ऊपर, जीव के ऊपर पाए थे क्या पाए थे? स्वाद कलियाँ पाए थे, जो क्या बताता है? स्वाद को बताता है, खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है। तो खट्टा मीठा लग के मीठा वाला स्वाद कलियाँ कहाँ है? आगे है, साइड में कौन सी है? नमकीन वाला स्वाद कलियाँ है। पीछे वाला साइड लग कौन सी है? खट्टा वाला स्वाद कलियाँ है। पीछे वाला कौन सी है? तीखा वाला स्वाद कलियाँ। तो जीभ के ऊपर जो खड़खड़ाहट जो होता है, लग रहेगा हाथ लग रहेगा तो खड़खड़ाहट होता है ना, तो क्या है? स्वाद कलियाँ। वो क्या है? स्वाद कलियाँ। क्या है? जिसका स्वाद कलियाँ पता नहीं चला, गर्म चाय पी लेना, कभी झोसा जाएगा मुँह तो पता चलेगा स्वाद कलियाँ क्या होता है। दस तीन चार दिन तो स्वाद ना आएगा, आता स्वाद फिर आता है, जब मुँह जल जाता है तो स्वाद अच्छा आता है ना, आता है ना, पता चलता है। और स्वाद कलियाँ का काम करना बंद करता है, ऊपर आता है, कहाँ आता है? ऊपर। तो स्वाद कलियाँ क्या होता है? स्वाद जिसको जीव बना, इलिख 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 सब लिख फटाफट, उसके बाद पढ़ेंगे लाल ग्रंथी जल्दी।